Okay, very good evening, Smarties. Welcome back, and this is your series number 26. After a gap of 4 to 5 days, I'm back again. Due to some health issues, I was not meeting my classes, and now I am recovering from that particular malaise. And I think now I'm able to teach you. So let's begin the session. I'll not keep you long, as I'm used to not keeping you long. So I belong to Henry VIII School of Public Teaching, not speaking, right? Here, let's see the first question that is going to be easier than your expectation. So let's begin the session here. And my dear, first question is here. Just write down somebody if I'm audible enough. Because all is well. Thank you. So, my dear, which of the following is not true of free verse के बारे में कौन true नहीं है? Free verse मतलब जो प्रयोगवादी कविता टाइप का कुछ भी मन में आए लिख दो, कोई मतलब आए जैसे कि इंडिया में अगर हम देखें तो निजी मिसकेल को आप ले सकते हैं, वो मतलब कुछ भी ऐसे लिखते हैं, क्या करते हैं इसमें होना क्या चाहिए? Your answer is what? Characterized by short irregular lines. इसमें short और irregular lines होती हैं. क्या ऐसा होता है free verse में? If yes, then your answer should be like that. No rhyme pattern. Written in iambic pentameter. A dependence on the effective and more intense use of pauses. तो pauses पे ज़्यादा use किया जाता है. तो ये जो होता है ना free verse actually क्या होता है? Free verse मतलब free है हर जगह से. It is not tied to a particular poetic diction. It has no meter and no rhyme. No meter, no pattern. No meter, no rhyme. और यहाँ पर iambic pentameter 5 foot 10 syllable की बात कर रहा है, तो जो इस पे लागू नहीं होता है. Rest is okay. बाकी सब ठीक है. Free verse में अगर आप इंडिया में, as I told, निजी मिसकेल एक बड़ा नाम है. अगर आप देखें, हालांकि T.S. Eliot ने भी यूज किया है, बहुत सारे पोइट्स ने इस्तेमाल किया है. और वॉल्ट विटमैन जो अमेरिकन है, वॉल्ट विटमैन को आप कह सकते हैं, वॉल्ट विटमैन एक बड़ा नाम है, इनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी आप कह सकते हैं. तो एडिशनल पॉइंट जो मैं बताता हूँ, फादर ऑफ फ्री वर्स दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, राइट? फादर ऑफ फ्री वर्स आप इनको कह सकते हैं. और बाकी तो ठीक है, यू गॉट इट. सो आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर. हियर इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, अब ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट की बात करेंगे तो T.S. Eliot आएंगे. अच्छा एक बात मैं, लेट मी क्लैरिफाई, दिस सीरीज इज नॉट मेंट टू बी ओनली फॉर TJD. ये इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं उन सबको मैं इंक्लूड करता हूँ, चाहे वो नेट का हो, चाहे JRF का हो, चाहे PGD का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे राजस्थान का एकलव्य वाला जो आया है उसका हो, कहीं का भी हो, चाहे उत्तराखंड का हो, सवाल तो सब जगह आएंगे ना. तो आई फोकस था क्योंकि मैं सबको अलग अलग नहीं दे सकता. तो कुछ इडियट टाइप के लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ये इसमें नहीं आएगा. तो जब तुम्हें इतना ही ज्ञान है भाई, जब तुम्हें इतना ही ज्ञान है तो इसको पढ़ते गए हो ना. बाकी ये उन्हीं के लिए है जो पढ़ना चाहते हैं. दोज हु आर सिंसियर इन देयर स्टडीज, दिस सीरीज इज ओनली फॉर देम, नॉट फॉर एनी टॉम डिक एंड हैरी. अगर इतना ही काबिल था तो बुढ़ापा आ गया है तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्वेश्चन अराइजेस, प्रश्न तो उठता है. तो मतलब बिफोर यू राइट एनीथिंग, बिफोर यू लूज एनी कमेंट, जस्ट मेक अ डीप एनालिसिस. एंड तो जैसे एक स्टूपिड टाइप के व्यक्ति ने लिखा था, ये इस तरीके के सवाल TGT में नहीं आते. तो तुम्हें पता है कि किस तरीके के आते हैं, इसीलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ. अगर तुम्हें पता ही था किस तरीके आज अब तक सेलेक्ट हो गए होते ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, क्योंकि ये सबके काम आता है. मैं नेट, आपको पता है कि कई बच्चों ने मेरे पास कमेंट लिख के भेजा सर कि आपकी सीरीज से नेट में कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन फंसे थे. हमने कहा फंसे नहीं थे, वो तो कम बता रहे हो यार, मैं तो 24 से 25 समझ रहा हूँ. ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको. तो क्या है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, T.S. Eliot यूजेज एनालॉजी ऑफ द कैटलिस्ट. ये टीचर को कैटलिस्ट की तरह होना चाहिए. मैं अक्सर, मेरा डायलॉग है, टीचर वर्क्स एज अ कैटलिस्ट टू इलूसिडेट हिज थियरी ऑफ इम्पर्सनल पोइट्री. ही साइट्स द एग्जाम्पल ऑफ अ फिलामेंट ऑफ प्लैटिनम, थ्रेड ऑफ प्लैटिनम ओडिशेस. हालांकि एग्जैक्ट वर्ड जब आप देखेंगे तो थ्रेड ऑफ प्लैटिनम लिखा रहेगा, थ्रेड ऑफ प्लैटिनम. एंड इन द पोएटिक प्रोसेस दिस इज इक्विवेलेंट टू द लैंग्वेज ऑफ द पोएट, द माइंड ऑफ द पोएट, द सोल ऑफ द पोएट एंड
द लाइफ ऑफ द पोएट, इट इज माइंड ऑफ द पोएट, ठीक है। तो ये सारा थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हु ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैवेलियर पोएट, इसमें कैवेलियर पोएट कौन सा है। हालांकि कैवेलियर पोएट की बात कौन करेगा, तो जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन, रॉबर्ट हेरिक, एंड्री मार्वेल, इसमें से कौन कैवेलियर है। कैवेलियर वर फॉलोअर्स राउंड हेड्स, और जो कैवेलियर्स जो थे ना, दे वर फॉलोअर ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, किंग चार्ल्स फर्स्ट, वो रॉयलिस्ट थे, दे वर रॉयलिस्ट इन नेचर। और जॉर्ज हर्बर्ट, जॉन डन, तो यहाँ पर भी आपका कोई नीरज को बता दो भाई मेरे बारे में। हाँ नीरज, दुख कभी कभी इस बात का भी है, आपको एहसास होना चाहिए। पहली बात क्या है, अब मैं अपने बारे में कुछ कहूँ तो अच्छा नहीं है। बाकी फाइव फिंगर्स आर नॉट इक्वल, देयर आर सो मेनी यूट्यूबर्स, सबको एक ही तराजू में तोलना गलत बात है। तोलते क्योंकि मैं उतना लाई चप्पू कर नहीं सकता, वो झूठ बोल बोल के मशहूर हो गया और मैं सच बोलता रह गया, तो वो भी बोलना छोड़ दिया, इसीलिए मैं बहुत प्रिसाइज हो गया हूँ, बहुत कम देने लगा हूँ। आई हैव अ विजन इन माई माइंड एंड आई नो वट आई हैव टू डू एंड आई कीप डूइंग दैट। तो अगर तुमको ये ही नहीं पता है तो फिर तो गड़बड़ है ना यार। बाकी यू आर वेलकम एट दिस प्लेटफॉर्म, इफ़ यू आर हियर लर्नर देन आई एम हियर टू। बाकी मैं क्या हूँ ये जानने की जरूरत नहीं है ना यार। द फॉलोइंग इज अ कैवेलियर पोएट, कैवेलियर पोएट, जॉर्ज हर्बर्ट और जॉन डन, रॉबर्ट हेरिक, ये सब जो हैं, ये सब के सब मेटाफिजिकल हैं तीनों। रॉबर्ट हेरिक, माय लव इज लाइक अ रेड रेड रोज, वो आप सुनेंगे। बाकी ये भी, हालांकि रॉबर्ट हेरिक को भी कैवेलियर मेटाफिजिकल कह सकते हैं, अगर सवाल आए कैवेलियर मेटाफिजिकल कह सकते हैं, बट नॉट टोटली मेटाफिजिकल, कैवेलियर मेटाफिजिकल कह सकते हैं आप, अगर आप कहना चाहें तो। किसी की औकात नहीं है जो गलत काट सके, किसी को पता ही नहीं उतना, ठीक है। तो कैवेलियर मेटाफिजिकल आप कह सकते हैं, क्योंकि मेटाफिजिकल एलिमेंट तो इसमें आते ही हैं, ठीक है। Moving to the next one, which of the following is a cavalier poet? ठीक है। Now, in Eliot's love song of J. Alfred Prufrock, who among the following painters in the subject of conversation among the perambulating is होना चाहिए यहाँ पर, is the subject of conversation among the perambulating women? Leonardo da Vinci, Raphael, Michelangelo, Donatello. अब ऐसा कोई पेंटर है क्या तो मुझे तो पता नहीं है, बट मूविंग टू द पॉइंट, इग्नोर हिम। In Eliot's love song of J. Alfred Prufrock, who among the following, it is my women come and go and talking of Michelangelo. Michelangelo, say ek baat bata dun, that will just motivate you in your life. Once a person asked Michelangelo how you could convert a rough stone into a beautiful sculpture, beautiful आइडल। उन्होंने कहा कि आपने एक रफ पत्थर से इतनी खूबसूरत मूर्ति कैसे बना दी। माइकल एंजेलो स्माइल्ड एंड सैड, इन फैक्ट द इमेज ऑफ दैट आइडल वॉज इन माई माइंड, आई डिड नथिंग, आई जस्ट एविक्टेड एवरीथिंग दैट वॉज नॉट इन माई माइंड। उन्होंने बताया कि मूर्ति मेरे दिमाग में पहले से थी, मैंने बस जो खराब भाग थे उसको निकाल दिया, अच्छे भाग को छोड़ दिया। तो मतलब ये योर विजन शुड बी वेरी क्लियर, नॉट लाइक स्टूपिड। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अप दीपो भव,
इट एक्चुअली मीन्स बी योर ओन मेंटोर. ये मेरे व्हाट्सएप या मेरा टैगलाइन भी है, दो आई हैव नेवर कॉपीड फ्रॉम एनी बडी ये टैग, लेकिन आप कह सकते हैं इट्स ए डायरेक्ट ट्रांसलेशन फ्रॉम महात्मा बुद्ध. तो जिंदगी में लुक इन टू योर ओन कॉलर, राइट, बी योर ओन मेंटोर. अगर कहीं कुछ सीख रहे हो तो बी ग्रेटफुल, हैव अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, अदरवाइज बुढ़ापा हो जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी. क्योंकि आप ऐसे देखते हैं ना, कई लोग ज्ञान बघारते रहते हैं बुक शॉप पे, चाय की दुकान पे, फिर बाद में पता चलता है 20 साल बाद वो टुक टुक खरीद के चला रहा होता है. आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि वो गलत कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो गुड थिंग, कम से कम चोरी तो नहीं कर रहे हैं. बट वही कि मतलब कब किससे क्या कहना है, अगर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा. मुंतशिर को यही नहीं कहना आया कब किससे क्या कहना था, वो पता नहीं था. इस वजह से जो फिल्म क्या कहते हैं ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती थी, उस फिल्म को नाम सुन करके लोग उसको गाली देते हैं, जबकि उसमें उसका रोल कम ही रहा होगा, वो तो पटकथा लिखा था, बाकी उसमें बड़े बड़े एक्टर थे, उनको कोई नहीं कह रहा है ना, ये ध्यान रखना. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लेक्चर्स ऑन इंग्लिश कॉमिक राइटर्स इज ए क्रिटिकल वर्क बाय शेली, कीट्स, हैजलेट एंड कॉलरिज. ये इंपॉर्टेंट सवाल है, चूंकि आपको कुछ चीज़ें यहीं मिलती हैं, ये तो आप भी जानते हैं, वो इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगी. वो केवल आपके दो जगह मिल सकता है. कुछ चीज़ें जो यहाँ मिलती हैं वो दो ही जगह मिल सकता है, या तो आपके डायरेक्ट एग्जाम हाल में आएगा, या तो यहाँ मिलेगा, और कहीं नहीं मिलने वाला है. चाहे वो RPSC हो, चाहे आप राजस्थान का दे रहे हो, चाहे उत्तराखंड का दे रहे हो, चाहे झारखंड का दे रहे हो, चाहे हरियाणा का दे रहे हो, चाहे MP का दे रहे हो, UP का तो बात ही नहीं ना. तो ये सब ध्यान दिया करो कभी कभी, इसीलिए मैं कम आने लगा हूँ ना. तो यहां पर क्या है कि ये जो है लेक्चर्स ऑन द इंग्लिश कॉमिक राइटर्स, अब कोई डफर होगा जो ये कहेगा कि सर हैजलेट तो आपके सिलेबस में नहीं है. भाई हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर राइट फ्रॉम एंग्लो सैक्सन, फ्रॉम चौसर टू मॉडर्न तो रहता ही है ओवरऑल, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं. उसका एक बेहतरीन उदाहरण ये है कि लास्ट ईयर TGT एग्जाम UP में पूछा गया था, एमिनेंट विक्टोरियंस नाम की किताब किसने लिखी है, 1918, हालांकि उसमें ये नहीं लिखा था. अब आपको पता है लिटन स्ट्रैची तो आपके सिलेबस में नहीं है, क्यों पूछ लिया सवाल? औकात है आपकी जाके आयोग से पूछोगे? ये सबसे बेवकूफ़ी वाला सवाल है. क्यों जानते हो? क्योंकि जब वो कहता है कि आपको चासर से यहाँ तक पढ़ना है, या आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री की समझ होनी चाहिए, या कॉन्टेक्स्ट की समझ होना चाहिए, एलिजाबेथन और विक्टोरियन कॉन्टेक्स्ट की समझ होना चाहिए, तो उसमें वो चार्ल्स डार्विन को पूछ सकता है. वो जाहिर सी बात है जितने फोर व्हील्स के नॉबलिस्ट हैं उसमें पूछ सकता है. 18th century की बात आएगी तो वो कुछ भी पूछ सकता है, मैगजीन पूछ सकता है, पेरेडिकल्स पूछ सकता है, वो लिटरेरी टर्म्स पूछ सकता है. तो आप इन चीजों से बच नहीं सकते कि हैजलेट तो आपके सिलेबस में नहीं था, ये तो इडियटिक. ठीक है बेटा, नाउ यू गो, डोंट डिस्टर्ब, यू गो जस्ट स्लीप. मैं तो अभी कह दूंगा तुमको पढ़ाना पड़ेगा. ओके, सो आई वॉज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड माई विच इज ए बाई चार्ल्स लैम इज is in a paragraph, is in one paragraph of over 4 pages. अच्छा, ऐसा सवाल, चलिए PGT वाले या दुनिया में कहीं भी पूछा जाएगा ये चार्ल्स लैम तो ध्यान रखेंगे. विच एसे ऑफ चार्ल्स लैम, ये चारों एसे चार्ल्स लैम के हैं. विच एसे बाई चार्ल्स लैम इज इन वन पैराग्राफ ऑफ ओवर 4 pages, द सुपर एनिवेटेड मैन, पुअर रिलेशंस, A dissertation upon roast pig, dream children. तो यहां पर अगर आप देखें तो विच ऐसे ऑफ चार्ल्स लैम का कौन सा ऐसे है जो एक ही पैराग्राफ में, और इसका एक सबटाइटल भी आप कह सकते हैं रेवरी, ठीक है, एंड दिस इज ड्रीम चिल्ड्रन. बाकी ड्रीम चिल्ड्रन मैंने आपको पढ़ाया है, और ठीक है,
Moving to the next one. He was not of an age but of all times. Who said the above statement of whom? अब कुछ सवाल इतने आसान होते हैं, कभी कभी कहते हैं सर ये देखो एग्जाम में तो ये भी आता है ना कि गर्ट्रूड या ओफेलिया कहाँ के कैरेक्टर है, लेकिन मैं ये थोड़ी ना बताने के लिए आया हूँ कि हैमलेट मतलब हैमलेट किसने लिखी है, मैं थोड़ी ना बताने आया हूँ कि शेक्सपियर कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, शेक्सपियर क्यों पैदा हुआ, हालांकि ये तो एग्जाम में आएगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं कोई, तो मतलब ये सब बताने के लिए मैं नहीं हूँ, वो आप जानिए खुद। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग सकता है कि आ सकते हैं, ईजी टू मॉडरेट टू टफ, ठीक है वो आप खुद जानिए। तो अगर आप देखिए, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम्स, हु सेट द अबव स्टेटमेंट ऑफ होम, जॉन कीट्स जॉनसन शेक्सपियर, जॉन कीट्स वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज वर्ड्सवर्थ, जॉनसन मिल्टन। तो ये शेक्सपियर के बारे में है, स्वीट स्वान ऑफ एवन भी इन्होंने कहा था, ये आपको ध्यान है कि स्वीट स्वान ऑफ एवन, स्वीट स्वान ऑफ एवन, ठीक है, एवन इज द नेम ऑफ अ रिवर, ठीक है, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन नॉट ऑन एवन। उसमें गलती क्या थी, जब एग्जाम में सवाल पूछा गया था एक बार कि ऑन एवन होना चाहिए कि अपॉन एवन, तो हम लोगों ने जो किताब पढ़ी थी उस समय, जो ऑक्सफर्ड प्रेस से पब्लिश होती थी, अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बीए की किताब मिलती थी एंथोलॉजी, उसमें भी ऑन एवन ही लिखा था, बट वो गलत था, अपॉन एवन ही सही है। एडवर्ड अल्बर्ट की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की किताब देखेंगे तो उसमें भी ऑन एवन ही मिलता है आज भी, तो क्योंकि वो पब्लिश है, लेकिन बाद में आफ्टर मेकिंग अ डीप रिसर्च यू विल फाइंड कि जो अपॉन एवन इज मोर एप्रोप्रिएट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, पिया बहरूपिया, क्या बात है, पिया बहरूपिया एक बॉलीवुड की फिल्म है, एक मूवी है मान लो बॉलीवुड की, पिया बहरूपिया। अच्छा, ये सवाल केवल आपको एग्जाम हॉल में मिल सकता है या यहां मिल सकता है, बाकी कहीं मिलेगा नहीं, ठीक है। और ये जो बाहर यूपी में तो नहीं पूछेगा, यूपी में तो तभी पूछा जाएगा जब हम जैसे लोग पेपर बनाएंगे, कभी तभी पूछा जा सकता है। और ये जो है नेट में भी आ सकता है, गेट में भी आ सकता है, डीएसएसबी में जरूर आ सकता है, हाँ एमपी में आ सकता है, झारखंड में आ सकता है, हरियाणा में आ सकता है, उत्तर प्रदेश में चांसेज कम है, ठीक है। पिया बहरूपिया इज एन एडेप्टेशन ऑफ विच प्ले ऑफ शेक्सपियर, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, द टेम्पेस्ट, लव्स लेवस लॉस्ट। ये जो है एक फिल्म है बॉलीवुड की जिसको अतुल कुमार नाम के डायरेक्टर ने बनाया है, आई थिंक, देख लेना, अतुल, डायरेक्टेड बाय अतुल कुमार। तो कभी जैसे फितूर पूछा गया था कई बार, इस तरीके के नेट में पूछे जा सकते हैं। तो पिया बहरूपिया इज अ फिल्म एडेप्टेशन ऑफ ट्वेल्थ नाइट, इसे आप समझ गए होंगे, ठीक है, ओलिविया और ठीक है, पूरी कहानी तो मैंने बताई है ना, इसी में आता है मेलबोलियो, तो इसी में आता है ना, योर सिक ऑफ सेल्फ लव मेलबोलियो। तो ये जो है यहां पर आप देखें तो ट्वेल्थ नाइट इज द राइट आंसर। द रोसिक्रूशियन इज अ गॉथिक नोबेल बाय द रोसिक्रूशियन, इसी का, हालांकि इसका नाम सेंट इरविन है, सेंट इरविन, हाँ, अ रोमांस, इसी को इस नाम से भी जानते हैं, इज अ गॉथिक नोबेल बाय कीट्स सेली वर्ड पिटमैन वर्ड्सवर्थ। ओ आपको पता है कि किसने लिखा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो ये जो है द रूसी क्रूशियन इज अ गॉथिक नोबेल बाय शेली, इसी को सेंट इरविन नाम से भी आप जानते हैं, हाँ 1810, इनका जेस्ट्रोजी भी एक आया था गोथिक नोवेल में, तो ये सारी चीजें आपको पता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विच कॉमेंटेटर कॉल शेक्सपियर हैमलेट एन इंडिफरेंट प्ले द लाइंस बट मीन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अब्राहम राइट, टीएस एलियट, लिनियर्ड मैक, जॉन कॉल्विन, ठीक है आपको बताना है प्लीज। नाउ योर आंसर इज अब्राहम राइट, देखो सबसे पहला आंसर मुझे मिला है भूमि का, ठीक है, वेरी गुड,
इट्स आर वी भूमि, दे ऑल हैव गिवन अब्रम राइट. ये रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फैक्चुअल सवाल, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल होते हैं. तो व्हाट आर यू डूइंग हियर, डोंट डिस्टर्ब मी अदरवाइज आई विल आउट. गो. ओके. तो ये जो है, विच कॉमेंटेटर कॉल्स शेक्सपियर हैमलेट एन इंडिफरेंट प्ले? रिचर्ड राइट इज द राइट आंसर. थैंक यू वेरी मच. रोड द कैसल ऑफ ओट्रेंटो, क्या बात है, कैसल ऑफ ओट्रेंटो. ठीक है, द कैसल ऑफ इंडोलेंस की बात मैंने नहीं पूछी है, वो एक पोएम है, वो जाके गूगल करी किसने किया है. थॉमस ग्रे, अच्छा ब्रैम स्टोकर ने भी एक लिखा है गॉथिक प्ले, जिसका गॉथिक नॉवेल जिसका नाम ड्रैक्यूला. यस आई थिंक ड्रैक्यूला. मैरी शेली फ्रैंकनस्टाइन, होरेस वॉलपोल इज द राइट आंसर. मैरी शेली का फ्रैंकनस्टाइन आप जानते हैं, प्रोमेथियस, मतलब मॉडर्न प्रोमेथियस करके उसका सबटाइटल है. और ब्रैम स्टोकर का भी एक नॉवेल है ड्रैक्यूला करके है, वो भी आता है, खैर नेट में आएगा आप, लेकिन ये तो आपके एग्जाम में आ सकते. कैसल ऑफ ओट्रेंटो, ठीक है. विल ऑल ग्रेट नेपच्यून सोशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, हु सेज दिस, ये कौन कहता है और आपको बताना है. और जो भी कहता है एक्ट टू सीन टू में कहता है, ये तो बता दूं, एक्ट टू सीन, ठीक है. तो क्या नेपच्यून के पूरे ओशन के जो पानी है वो इस ब्लड को क्लीन कर पाएंगे. लेडी मैकबेथ इन हर स्लीप वॉकिंग, मैकबेथ आफ्टर मर्डरिंग डंकन, बैंक्वेट गोस्ट एट द बैंक्वेट, मैकडफ्स वाइफ्स मर्डरर. तो ये जो है अगर आप देखें तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पर ये बात लेडी मैकबेथ नहीं कहती है, ये बात मैकबेथ ही कहता है. ठीक है, तो उसमें ज़्यादातर को लग जाता है कि लेडी मैकबेथ ने कहा है, ये लेडी मैकबेथ ने नहीं कहा है, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है साहब, चलिए आगे चलते हैं. वी विल मूव अहेड. द लाइंस, द लुनेटिक, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कंपैक्ट. क्या बात है, तो पागल प्रेमी और कवि एक जैसे होते हैं ना. हाँ, तीनों बाद दिमाग काम कम करता है. Because John Donne has said, "Nah, I'm a doubly fool. First falling in love and second saying so." Nah, इस तरीके का लाइन, I'm a double fool. तो इस तरीके का, lunatic, lover and poet. तो यहाँ पर है. तो ये कौन कहता है? ये लाइन कहाँ की है? Pyramus and Thisbe आप जानते हैं, bottom ये थी, ये प्ले का नाम है. ये कौन कहता है? थीसियस. थीसियस कहां पर आता है? अ मिडसमर नाइट ड्रीम. वेरी गुड. ड्राइडन इन जयश्री ऑन ड्रामेटिक पोएजी डस नॉट डिबेट ऑन द यूनिटीज ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, कैथार्सिस एंड पोएटिक जस्टिस, रिजिड डिस्टिंक्शन बिटवीन जॉनरा, द यूज ऑफ राइम इन ड्रामा. तो आपको बताना है, ड्राइडन इन हिज एशे ऑन ड्रामेटिक पोएसी डस नॉट डिबेट ऑन. एंड हियर आई एम वेटिंग फॉर यू आंसर. तो ये कैथार्सिस एंड पोएटिक जस्टिस की बात कौन करता है? ये तो कम से कम कैथार्सिस की बात तो अरिस्टोटल ने करी है, तो ये आपका सही आंसर है. कैरोलिन एज इज कंसर्न विद द रेन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, विक्टोरिया, जॉर्ज, सॉरी जॉर्ज नहीं होना, जॉर्ज फोर्थ या जॉर्ज फिफ्थ कर दो, हैनोवेरियन थे वो सब. ये जो कैरोलिन एज क्या है, कैरोलिन एज की बात करेंगे तो क्या है, आपको यही तो मिलता है ना कैरोलिन एज में,
चार्ल्स का एज तो यही है, तो कैरोलिन एज क्या है, चार्ल्स फर्स्ट का, एंड ही वॉज एग्जीक्यूटेड, उनको फांसी हो गई थी, क्यों हुई थी वो भी आपको पता है। तो आगे की बात करें हम, वट इज द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ द रेनेशा मूवमेंट, ये भी बताने की जरूरत नहीं। रेनेशा वॉज द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लर्निंग एंड रेनेशा वॉज एक्चुअली शिफ्ट फ्रॉम थियोसेंट्रिज्म टू होमो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, नॉट होमो, मतलब मैन इज द मेजर ऑफ एवरीथिंग एंड मैन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। रेनेशा स्पिरिट अगर एलिजाबेथन एज में दिखती है खूब, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें तो इट एक्चुअली ओरिजिनेटेड इन इटली। वाई, कारण मैंने बताया है, डिटेल वीडियो भी है इसका। विच पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ चॉसर, द मिडिल एजेस, रिस्टोरेशन एजेस, इंग्लिश रेनेशा, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, तो आप बता सकते हैं कि ये कौन सा एज है जिसको, ठीक है। तो ये जो है अगर आप देखें तो बात करेंगे हम मिडिल एजेस की बात करेंगे, ठीक है। मिडिल एजेस इज द राइट आंसर। एंड अगेन हियर, व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ मिल्टन्स डियोज ट्रैक्ट, अब आपको ये बताना है कि आया कब था, फुल टाइटल तो आप बता ही देंगे। द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डियोज, द जस्टिफिकेशन ऑफ डियोज, अब चार शादियां करेगा दिन जो उसको जस्टिफाई करेगा ही ना। द ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, द नेसेसिटी ऑफ डिवोर्स, हर आदमी अपने हिसाब से चीज़ों को सही जस्टिफाई कर, जितने भी नक्कारे और बेवकूफ़ आदमी हैं, दूसरों पे आरोप लगाने वाले लोग हैं, उनके उन चीज़ों में, उन सारे लोगों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि वो जो हैं हमेशा दोषारोपण करते रहे हैं। मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट गिवेन, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टेकन, जिम्मेदारी दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है। और जितने भी नक्कारे लोग, बेरोजगार लोग होंगे, बेरोजगार से इन द सेंस जीवन में वो हमेशा बेरोजगार ही रहेंगे, कहीं मतलब दो चार दस रुपए कमा लेते हैं तो वो रोजगार नहीं है, एक रेगुलर, क्योंकि वो जहाँ रहेंगे वहाँ पर रायता फैलाएंगे ना, इसलिए गॉड उनको देख रहा है कि इनको कहाँ रखना है। अगर आप कहीं पर हैं तो समझ लेना गॉड ने वहाँ आपको फिक्स किया है, क्योंकि आप उसी लिए परफेक्ट मुफीद आदमी है। ये रोना, स्टॉप क्राइंग एट योर पोजिशन, बिकॉज यू आर द अनकंडीशनल मेकर ऑफ योर डेस्टिनी, वट एवर इट मे बी। जेम्स रसल कहते ना कि मतलब you are the unconditional maker of your destiny, come out and that destiny may be kuch bhi ho, that may be anything, be it, be you are a successful man, be you are a loner, be you are a street worker, be you are a commoner, be you are a celebrity, be it you are a non-entity, sabke liye aap zimmedar hain। तो इस जिम्मेदारी को जितनी जल्दी आप कम लेने लगेंगे कि मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूं, एक नंबर से ना होने वाले ज्यादा हैं सर, एक नंबर से नहीं हुआ, और कुछ तो झूठ बोल रहे हैं, हाँ आपकी बार हम भी दे रहे हैं, अपनी इज्जत बचा रहे हैं, किससे झूठ बोल रहे हो यार, तुम्हारा रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ आज तक कभी, ज्यादातर लोगों का जब ऐसे लगता है, कुछ लोग तो ये कहते हैं मैंने एग्जाम ही नहीं दिया क्योंकि वो ऐसा था, हुआ ही नहीं तो एग्जाम कहां से दोगे, किसी को नौकरी नहीं मिलती है, कोई नौकरी के लिए एग्जाम नहीं देता है, ये तो बेवकूफ बनाना, मतलब सामने वाले को या तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ समझ रहे हो या खुद को बहुत बड़े इंटेलिजेंट समझ रहे हो, तो किसी से मिलो, किसी अच्छे आदमी से ज्ञान लेने जाओ ना, तो एकदम ट्रू रहो, ट्रू टू योर प्रोफेशन, बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो जितने भी दुनिया के शार्प माइंडेड लोग रहे हैं, वो आप जैसे ही बात करते हो वो एक सरे से समझ जाते हैं कि एक्चुअली आप सोच क्या रहे हैं, माइंड रीडिंग भी कुछ चीज होती है, ठीक है, तो कर लेता है आदमी, तो ये ध्यान रखना। Full of the truth, the blissful hypocrite. ये सी है, हाँ सी फॉर कैट, नहीं तो सब सत्यानाश हो जाएगा भाई। Now okay, the full of blissful hypocrite, ठीक है, और ये क्या है, identify the figure of speech, alliteration, hyperbole, personification, oxymoron, ओड टू नाइटिंगेल की लाइन है, और यहां पर क्या है, personification, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हु इज ऑथर ऑफ स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेशा, ग्रेट,
हु इज द ऑथर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, जॉन रस्किन, थॉमस कार्लाइल, एसी स्विनबर्न, वॉल्टर पेटर, आपको बताना है हु सेड सो। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट, इन्होंने कहा कि रोमांटिसिज्म इज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, इन्होंने तो किया था ना, रोमांटिसिज्म इज एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू ब्यूटी, रोमांटिसिज्म इज एडिशन ऑफ ये भी आप याद कर लेना, इन्होंने रोमांटिसिज्म को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है, किसी ने थियोडोर वॉट स्टंटन ने रेनेसा ऑफ वंडर का है, तो अलग अलग लोगों ने दिया, वॉल्टर पेटर का नाम आप जानते हैं, आर्ट फॉर आर्ट सेक से जुड़ा है इनका नाम, ठीक है। तो ये की बात करें, हु स्पीक्स दिस लाइन, दिस अबव ऑल टू थाइन ओन सेल्फ बी ट्रू एंड इट मस्ट फॉलो एज अ नाइट एंड डे, क्या बात है, क्या बात है, एक्ट वन सीन थ्री, एक्ट वन सीन थ्री में ये बात कही है, किसने कही है, हैमलेट में कही है, किसने कही है, लियार्टीज, होरेशियो, रोसेनक्रांट्स, पोलोनियस, तो ये कौन कह रहा है, जब उसका बेटा फ्रांस जा रहा है, लियार्टीज तो उसे सलाह दे रहा है, ये पोलोनियस, ही इज एन ऑफिसर्स फूल वाइजेकर हु मेडल्स इज वे टू डूम, ग्रैनविल बार्कर ने उसको कहा है, हालांकि उसे वाइजेकर टीडियस फूल उसको हैमलेट ने भी कहा था, ये आपको ध्यान रखना है, आगे की बात करेंगे। So, who has described Bacon as the wisest and meanest of men, wisest, brightest and meanest of mankind? ठीक है, ये बात किसने कही है? Pope, Dr. Johnson, Dryden and none of them. तो Francis Bacon को आप इसलिए भी जानते हैं कि father of English essays हैं, aphoristic और epigrammatic style के लिए जाने जाते हैं, इनके essays को practical wisdom या dispersed meditation कहा जाता है, बहुत सारी चीजें कही जाती है, क्या क्या मैं बताऊं, कुछ तो खुद पढ़ो ना। आगे की बात करेंगे, जॉर्ज ऑरवेल इन इज राइटिंग यूजुअली हिट्स एट, यूजुअली किसको हिट करते हैं, किसको टारगेट करते हैं, ब्रिटिश डेमोक्रेसी, अमेरिकन प्रैग्मेटिज्म, स्टालिनिज्म, फ्रेंच लिबरलिज्म, तो ठीक है, आपको पता है उनका नोवेल आपने पढ़ा होगा, कम से कम एनिमल फॉर्म पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो एक घोर अपराध किया है, एनिमल फॉर्म नाम का नोवेल है, हालांकि ये एक एलिग्री है आप रोमान अक्ले की श्रेणी में, एनिमल फॉर्म 1945 में ये नॉवेल आता है, इनफैक्ट ये नॉवेला कहिए, नॉवेल तो कम ही कहिए इसको, और ये उसमें स्टालिन और ट्रॉट्स्की के बारे में बताया गया, स्टालिन की नीतियों को क्रिटिसाइज किया है, जॉर्ज ऑरवेल वाज अ ग्रेट जर्नलिस्ट, बर्मीज वॉर वगैरह के दौरान उसने 1984 उनका एक आया था डिस्टोपियन नॉवेल है, न्यू स्पीक करके इन्होंने एक लैंग्वेज का ईजाद भी किया है उसी में, और ये नॉवेल इसलिए भी मशहूर है कि इसको पढ़ने से आपको कम से कम आइडिया मिलेगा कि कितनी छोटी नॉवेल में कितनी बड़ी बात कही जा सकती है, किसको कैसे क्रिटिसाइज किया जाए। जॉर्ज ऑरवेल और रवीश कुमार जो जर्नलिस्ट हैं, उन दोनों में दो सिमिलैरिटी मैं देखता हूँ, मुझे कभी कभी ये लगता है कि जॉर्ज ऑरवेल का भूत जो है वो रवीश कुमार के अंदर आ गया, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ईमानदार पत्रकार थे और उसकी वजह से बड़ा झेले और बड़ा बेबाकी से लिखते रहे, वो भी स्टालिन के खिलाफ लिखते थे, स्टालिन के खिलाफ लिखने का मतलब समझ रहे हो, ऐसे की तैसी हो जाएगी, और वो लिखते रहे, और यहाँ पर क्या है, इनका भी यही हिसाब किताब है, और दोनों में सिमिलैरिटी क्यों बता रहा हूँ, दोनों बिहार में पैदा हुए थे, दरभंगा में पैदा हुए थे, महत्वपूर्ण मुद्दा ये था, ये बताना चाह रहा था। तो ठीक है, खैर आप उनसे इत्तेफाक रखें ना रखें, स्टालिन के बारे में ज़रूर पढ़िए अगर आप जानकारी चाहते हैं, ठीक है। और हु क्लेम टू राइट फिक्शन दैट कुड बी कॉल्ड कॉमिक एपिक इन प्रोज, कॉमिक एपिक इन प्रोज की बात कौन करते हैं, तो ये बड़ा नाम है इनका, सैमुअल रिचर्डसन को आप पामेला के लिए जानते हैं, हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न स्मॉल, ये जो है फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स में हैं, और इसमें हेनरी फील्डिंग का नाम आप जरूर जानते हैं, टॉम जोन्स पढ़ा होगा आपने, ठीक है, नहीं पढ़ा है क्या, जोनाथन स्विफ्ट, नहीं जोनाथन वाइल्ड, स्विफ्ट नहीं, जोनाथन स्विफ्ट तो राइटर है ना, वो
जो क्या लिखे हैं लिलीपुट वाला, मैं भूल गया उसका भी नाम ना, तो अरे ठीक है, हेनरी फील्डिंग ने लिखा है। ठीक है, आगे की बात करें हम, पार्सिया इन अरिस्टोटेलियन क्रिटिसिज्म डिनोट्स द ग्रेट वर्च्यू द बेनिफिशियल आर्ग्यूमेंट द फेटल फ्लॉ या ट्रेजिक फ्लॉ। एक्चुअली हमारसिया मीन्स होता है मिसकैलकुलेशन। आर एरर ऑफ जजमेंट आप कहते हैं। एरर ऑफ जजमेंट करिए बट डोंट बी जजमेंटल। यू नो व्हाट जजमेंटल इज, जजमेंटल सही मामले में समझना हो तो आपको एक मूवी दे। अगर आप महिला हैं और भारत में रहती हैं, इफ यू आर अ लेडी एंड यू लिव इन इंडिया देन यू मस्ट वॉच अ बॉलीवुड मूवी इंग्लिश विंग्लिश। नहीं देखा है तो जरूर देखना, मम्मी के साथ देखना, मदर इन लॉ के साथ देखना, मदर के साथ देखना, हस्बैंड के साथ देखना, जिसके साथ हो मन प्लीज बस डू वॉच आउट दैट मूवी। श्रीदेवी जी ने उसमें एक्टिंग करी है एक हाउसवाइफ का, शशि कोटबले नाम से। दैट्स अ फैंटास्टिक मूवी। बॉलीवुड वालों ने कुछ अच्छा भी बनाया है। अब आजकल तो पिछले 5 साल से तो बकवास ही बना रहे हैं, हाँ, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें पहले हुई हैं, तो अच्छों को अच्छा कहना, हाँ, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। तो वो राजकुमार जी की फिल्म में एक गाना था, ठीक है, तो वो थोड़ा सा आप देखते रहिए और मूवी ज़रूर देखिए। अगर आप हिंदुस्तान की महिला हैं, नारी हैं, तो आप ज़रूर देखिए कि एक लेडी किसी जीवन के किसी भी पड़ाव पे क्या कर सकती है अगर वो ठान लेती है। शी वॉज अ हाउस वाइफ, शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश बट वंस शी मेक्स अप हर माइंड एंड अल्टीमेटली शी स्पीक्स गुड इंग्लिश। शी यूज टू रिमेन सबड्यूड इन हर फैमिली बट अल्टीमेटली शी गेन्स कॉन्फिडेंस एंड शी प्रूव्स हर कॉन्फिडेंस इन अ मैरिज सेरेमनी दैट वॉज टेकिंग प्लेस इन अमेरिका, राइट। तो दैट्स अ वेरी गुड मूवी, डू वॉच आउट। When did Wordsworth finally settle at Riddle Mount? इनको Riddle Mount, इनको Bard of Riddle Mount भी कहा जाता है, Bard of Riddle Mount भी कहा जाता है, ठीक है। तो 1810, 1812, 1813 and 1814, and I hope you will not disappoint. और यहाँ पर हम देखते हैं ये 26 का ये जो आंसर है आपका 1813, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। एंड सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, याकिमो एंड पोस्ट्यूमस, लियोन्टीस पोस्ट्यूमस मेक अ वेजर, वेज शर्त लगाते हैं ऑन वेदर और नॉट याकिमो विल बी एबल टू डू व्हाट, सेड्यूस द क्वीन, सेड्यूस इमोजेन, डिफीट पोस्ट्यूमस इन अ ड्यूएल, डिफीट फिलारियो इन अ ड्यूएल। ये अब आपको पता हो गया ना, सिंबली इनकी है, इसको आप सिंबलीन, सही तो लिखा था यार मैंने, ठीक है, स्पेलिंग में शायद थोड़ी सी एरर है, सिंबलीन, और सिंबलीन मेरी फेवरेट प्ले है, सिंबलीन सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं वाई यहाँ लगा दिया था, ठीक है। सिंबलीन एक प्ले है और उसमें एक करेक्टर है, आपको भी पता है वो करेक्टर, नहीं पता है तो पता करिए। इमोजन के को सीड्यूस करने की शर्त लगाता है और उसके कमरे में घुस जाता है, एक डिब्बे में अपने आप को संदूक में ट्रंक में बंद कर लेता है, और जब वो सो रही होती है तो उसके ब्रेस्ट पे एक मूल रहता है, वो देख करके और उसको चुरा करके आता है, बता देता है कि हाँ ये आई हैव सीड्यूस्ड हर बिकॉज यू आई हैव सीन देयर, या कहता है कोई प्रूफ दो, तो बताता है कि अ मूल ऑन हर ब्रेस्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, यू नो दैट आई हैव टोल्ड द स्टोरी इन डिटेल,
So you must go on the go there. A song, hymn, or poem in which two voices or choruses respond to one and other in alternate verses or stanzas, as is common in verses written for religious services, is called. आपको बताना है. Stichomythia, antiphrasis, Amebian verse, and antiphon. ठीक है, सबके बारे में शायद मैं पहले भी बता चुका हूं. तो यहां पर आपका आंसर क्या है? सॉन्ग. लेट मी गो एंड ब्रिंग वाटर. ठीक है. तो ए सॉन्ग, हिम आर पोइम इन विच टू वॉइसेज आर कोर्सेस. और आपका आंसर यहां पर डी है, एंटीफॉन. लोग बता रहे हैं और कुल मिला के सवाल में पहले भी बताया हूँ, एंटीफॉन इज द राइट आंसर. और एंटीफ्रेसिस इज जस्ट, जैसे मैं कहूँ कि यू आर जस्ट अ बेबी ऑफ 25 ईयर. मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं आपको कहूँ यू आर अ बेबी ऑफ 25 ईयर, ये एंटीफ्रेसिस हो जाएगा. स्टिकोमिथिया इज अल्टरकेशन होता है, जब झगड़ा होता है. जैसे एक्ट 3 सीन 4 में गर्ट्रूड कहती है, कम कम यू आंसर विद एन आइटल टंग. वो फिर हैमलेट, गो गो यू आर यू आस्क विद यू आस्क विद, इस तरीके बीक इट टंग. इस तरीके से वो जो दोनों माँ बेटे के बीच झगड़ा होता है उसको स्टिकोमिथिया कह सकते हैं. एंटीफॉन इज द राइट आंसर. राइट. मिल्टन सोल्ड द कॉपी राइट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी भी एग्जाम में टकरा सकता है. ठीक है. टू होम फॉर 5 pounds स्ट्रेट अवे एंड प्रोमिस्ड हिम अ फर्दर 5 pounds ऑफ लॉफुल इंग्लिश मनी वंस 1300 कॉपीज ऑफ द बुक हैड बीन सोल्ड. एंड्रू मार्वेल, क्रिस्टोफर रिक्स, सैमुअल सिमंस, सी एम बोरा. ठीक है. तो यहां पर आपका आंसर है सैमुअल सिमंस. थोड़ा सा इनके बारे में पढ़िएगा, ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना ही पढ़ना और ज्यादा कर. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु डिफेंडेड द यूज ऑफ ब्लैंक वर्ड्स एंड कंडेम्ड राइम एज द इन्वेंशन ऑफ बार्बरस एज टू सेट ऑफ रिचर्ड मैटर एंड ले मीठो. मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, अर्ल ऑफ सरी. ठीक है, गॉट इट. थैंक यू वेरी मच. ठीक है भाई साहब, आपको बताना है एन. यहां पर आपका आंसर है हु डिफेंडेड द यूज ऑफ एन. मेनी ऑफ यू आर सेइंग मिल्टन एंड ऑब्वियसली इट्स अ मिल्टन. आज का सवाल पूछ लेते हैं, शायद आपको कुछ जानकारी मिल जाए. क्या पूछूं, कुछ भी पूछ लूं जो मन में आ जाएगा. बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलिटी टाइप का. क्रैकन नाम की सोनेट किसने लिखी है? द क्रैकन इज अ सोनेट बाय क्रैकन इज अ सी मॉन्स्टर. एक समुद्री राक्षस का नाम है और उस सोनेट किसने लिखा है? थैंक यू, स्टे कनेक्टेड. आता रहूंगा, अगर आप उत्साहवर्धन नहीं करेंगे तो नहीं आऊंगा. ये आप इमोशनल या जो भी कहना कर लो, कॉल मी व्हाट यू लाइक. Yeah.